के पहले आए तुम देखो कमरिया बाबा दरबार मेरे भोले बाबा है मेरे डमरू वाले। हर हर महादेव बोल बम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं ब्लॉगिंग अजय यूट्यूब चैनल में। और आप देख सकते हैं आज दुम्मा बॉर्डर से आगे यानी कि बिहार में अभी हम लोग हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि आज जो है किस प्रकार कांवर यात्रा होता है। फिलहाल अभी जो है धूप काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं। और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। चलिए बोलबम हर हर महादेव पेज को फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु अभी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार सभी कांवरिया जो है बाबा नगरी की ओर जा रहे हैं। अभी बिहार का मैं आपको अपडेट वगैरह दे रहे हैं किस प्रकार बिहार का जो है यात्रा भी हो रहा है कांवरियों का। आप देख सकते हैं इधर भी जो है काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल रहा है कांवरियों का। और यहाँ पे जो है एक सूरदास यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइए इनके जो है थोड़ा भजनों को मैं सुनते हैं आप तक शेयर करते हैं। और ये देखिए दुम्मा का डिस्टेंस यहाँ से जो है 0 किलोमीटर बताया जा रहा है, बिल्कुल दुम्मा बॉर्डर से हम लोग 0.5 किलोमीटर पीछे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मेरा साइकिल इधर रहा, मैं अभी जो है साइकिल से दुम्मा बॉर्डर तक और उससे आगे आ चुके हैं। देख सकते हैं अभी जो है कांवरिया लगातार यहाँ पे बाबा धाम की ओर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ से पूरा दृश्य आप देख लीजिए किस प्रकार बिहार में जो है कांवर यात्रा हो रहा है आपका। तो चलिए दोस्तों आज जो है बिहार का पूरा दृश्य मैं आपको दिखाते हैं कांवरिया पथ का क्या अपडेट रहता है। अब बिल्कुल देख सकते हैं सभी कांवरिया जो है यहाँ से आगे निकल रहे हैं। और ये देखिए आप लोग रास्ते में बहुत जगह पे सूरदास है जो कि उनको आप दान वगैरह दे सकते हैं, आपके दान से ही जो ये लोग जीवित रह पाते हैं। देख सकते हैं सभी कांवरिया जो है बाबा धाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी भीड़ जो है बिहार में शाम के समय में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा अपडेट मैं आपको देने का प्रयास कर रहे हैं दुम्मा बॉर्डर तक। और चलिए लेकर आपको चलते हैं और दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कांवरियों का भीड़ देख लीजिए। अगर आप लोगों को कोई का सवाल है कि भीड़ जो है नहीं हो रहा है, फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ इधर भी है। और साइड बम थोड़ा आप लोग साइड दीजिएगा, बोल बम इधर लेफ्ट आ जाइए आप लोग। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है पूरे कांवरियों का भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा जो है लाइन आज दिख रहा है इधर पूरा कांवरिया पथ में। बोल बम साइड बम, आप देख सकते हैं इस पथ पर जो है काफ़ी आज बिहार में जो है आपका इधर भीड़ देखने को मिल रहा है। आइए यहाँ से जो है दुम्मा बॉर्डर आपका अभी हम प्रवेश करते हैं और दुम्मा का जो है नज़ारा मैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो है दंडवत यात्रा जो है किस प्रकार इधर हो रहा है आप देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं अभी यहाँ से हम लोग अभी झारखंड प्रवेश करते हैं, उसके बाद जो है आपको झारखंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा था उसका भी लुप्त आप तक उठवाएंगे अभी शेयर करेंगे। और देख लीजिए इधर बिहार में जो है शौचालय वगैरह किस प्रकार है अभी देख सकते हैं आप। और ये सारा निःशुल्क है, आपको कोई भी चार्ज इसमें नहीं देना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दुम्मा बॉर्डर के पास जो है काफ़ी लाइटों से एकदम सजाया गया है ये पूरा इस पथ में देख सकते हैं। और चलिए यहाँ से झारखंड अभी हम लोग इन करेंगे, ये पूरा बिहार का दृश्य रहा अभी आप देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं देख लीजिए, जय हो बाबा वैद्यनाथ। अभी बाबा नगरी में प्रवेश करने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ का बिहार का एक बार दृश्य देख लें, दुकान वगैरह किस प्रकार लगा हुआ है। और ये झारखंड प्रवेश करके जय हो बाबा वैद्यनाथ की नगरी झारखंड का बॉर्डर, इधर पूरा झारखंड में कार्यक्रम वगैरह देख सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आपका झारखंड में हो रहा है ये दिखाते हैं। घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उस समय माता सती ने बाबा के बाल का आदर नहीं किया जिसके कारण बाबा ने सती को त्याग दिया। कथा आप लोग सब जानते हैं, रामचरितमानस भागवत में ही दर्शाया गया है कि माता सती को बाबा ने बार बार मना किया क्योंकि दक्ष प्रजापति के 51 पुत्री में सबसे छोटी बेटी थी सती। 50 में 27 का विवाह चंद्रमा से किया गया
रोहन के साथ आप निरंतर खुशिया से दादा आस्था चित्रा स्वाति और दादा विशाखा जिष्टा, ये सब जो नक्षत्र है ये 27 चंद्रमा की पत्नी है। 10 को धर्म से विवाह किया गया, 13 कश्यप मुनि। दोस्तों अभी बिहार से झारखंड इनकी है और पूरा बिहार का दृश्य मैं आपको दिखाते हुए आए, तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करके आप बताइएगा। इधर देख लीजिए पूरा झारखंड का दृश्य और बिहार का तो आपके द्वारा मैं आपको दिए, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, वीडियो मंत्र तक बने रहने के लिए।